समस्त व्यापारियों ने किया अर्जुन का खाने का घेराव। दरअसल अर्जुन का खाना प्रभारी स्टाफ के साथ आज लगभग 11 बजे बाजार बंद कराने निकले। इस दौरान थानेदार ने व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज किया। थानेदार की हरकत से गुस्साए अर्जुन का व्यापारी संघ ने नगर पंचायत CMO विकास नारायण, नायब तहसीलदार धर्मेश श्रीवास्तव, नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रहास देवांगन के सामने थानेदार पर कार्यवाही की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। नायब तहसीलदार धर्मेश श्रीवास्तव, नगर पंचायत CEO के द्वारा व्यापारियों को समझाने की कोशिश की जा रही थी। वही भाजपा महामंत्री विश्वास गुप्ता, व्यापारी आशीष गुप्ता, वेद प्रकाश समेत लगभग 200 की संख्या में लोग थाना पहुंचे। थाना प्रभारी के खिलाफ अर्जुन दा थाने में एक घंटे तक व्यापारियों ने कार्यवाही की मांग की। बड़ी मुश्किल से नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रहास देवांगन के आने के बाद मामला शांत हुआ। वही नगर पंचायत CMO से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में TI अर्जुन दा उस वक्त थाने पर नहीं थे, प्रशासनिक काम से तत्काल कहीं बाहर गए हुए थे। तभी थाना प्रभारी के आने के बाद व्यापारियों की बैठक हुई, जिसके बाद व्यापारी अपने घर की ओर रुखसत हुए। अर्जुन दा व्यापारी संघ के संगठन को देखकर अधिकारियों का पसीना छूट गया। समस्या ये हमारी समस्या ये है, जो अर्जुनदा में आज जो घटना घटी है वो अर्जुनदा के इतिहास के लिए काला दिन है। इतने यहाँ पे TI आए हैं, इतने ऑफिसर आए हैं, जितने भी ऑफिसर आए हैं, अर्जुनदा का इतिहास रहा है कि व्यापारी भाइयों ने उनका पूरा 100% उनके सहयोग किया है, पर आज TI द्वारा व्यापारियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि माँ बहन की गाली और डंडा का उपयोग किया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ तक जानता हूँ विगत 15-20 सालों से अर्जुनदा कि व्यापारी भाई शासन प्रशासन के हर नियम को अच्छी से तरह पालन कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी आज व्यापारियों को जो धुतकार कर, जो गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार TI द्वारा किया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं, जो खुद कानून के रक्षक हैं, जिसके ऊपर कानून की जवाबदारी है, शांति बनाने की जवाबदारी है, अगर वही इस तरह शांति को भंग किए तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। यही हम वो सभी व्यापारियों की तरफ से मांग है कि यहाँ के TI को आकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है TI द्वारा उसके क्षमा याचना करें और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी माँ बहन गाली देना सरासर गलत है। किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद हुआ था जैसे कि नगर पंचायत ने कल अनाउंस किया कि शाम 6 बजे तक दुकान चालू रहना चाहिए, उस हिसाब से व्यापारी लोगों ने आज सुबह अपनी तैयारी कर दुकान चालू किया। चालू करने के बाद यथावत मतलब शांति से अपना व्यापार कर रहे थे, फिर अचानक 10 बजे अनाउंस होता है कि दुकान 12 बजे बंद किया जाए, और समय 11 बज रहा था जब हमारे ऊपर अवध व्यवहार हुआ, उस समय 12 बजे तक समय देने के बाद भी 11 बज रहा था, उसके बाद भी डंडा और गाली द्वारा प्रयोग किया गया, जो इसका विरोध हम है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश झवर, अर्जुनदा से। कितने संख्या में व्यापारी पहुंचे थाना? हमारे जितने भाई हैं सब व्यापारी हैं, संख्या तो नहीं है, गिन नहीं सकता, 400-500 सब व्यापारी है, और पर्टिकुलर सब व्यापारी को कुछ न कुछ गाली दिया है और गाली बका है, जिसमें होटल वाले भी हैं जो अपना होटल व्यवसाय करते हैं, कच्चा व्यापार है, सुबह पूरी तैयारी करके रखते हैं। गाली दिया इसलिए बहुत गुस्सा में था, बहुत अशब्द गाली दिया। घटना के संबंध में क्या जानकारी है? वो घटना के संबंध में तुम्हारा बाप का नौकर हूँ क्या, ये हो गया कि प्लान डेकान के गाली दिया और दो डंडा मारा TI साहब। ये अर्जुनदा पटेल, होटल का संचालक हूँ। अच्छा, मैं मतलब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तैयारी करते होटल की, और मुझे अचानक इतना मिला दिल्ली की दुकान बंद कर, फिर भी मैं बंद करने के लिए तैयारी कर रहा था, और सामने में TI आया और जैसे गंगा गांधी जी बंद करो और 10,000 का फाइन काटो करके, कोई अधिकारी तो उनको बोल रहा था। क्या मांग कर रहे हो आप अधिकारियों से? वही TI को सीधा सस्पेंड ही कर दो, ज्यादा अच्छा। ठीक है, बात सब ठीक है, सब चीज ठीक है, आप बंद करवा रहे हो, सब ठीक है, घर भी रहते हैं, आदेश मार रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन 20 जने को ऐसी का तैसी गाली गलौज डंडा, एक इसको क्या करोगे आप बताओ, इसके लिए बताओ, बस हमको कुछ नहीं। बस 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 नहीं चाहिए हमको, डंडा मारा है उसको भी बताइए आप क्या करोगे। ये जो आप बोल रहे हो तत्काल आदेश नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी है आदेश एक दिन पहले पूरा हो चुका है, कि जितने 8 नगर निकाय और 16 ग्राम पंचायत 22 तारीख से बंद रहेगी, उसके बाद भी आपके द्वारा अनाउंस करवाया गया है कि शाम 6 बजे तक नगर पंचायत और अनुदान चालू रहेगा 20 तारीख तक, ये इसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है।
सुन लो ना, वही तो मैं पूरा बता रहा हूँ। क्या हुआ था सर कि कल शासन के आदेशानुसार हम लोगों ने मुनादी करवाया था, मुनादी में ये सब प्रक्रिया जो आप भीड़ लग गया है उसमें फिर समझ और समझाने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ है। सवेरे भी हम लोगों ने अनाउंसमेंट कराया था, कल ही कराया अनाउंसमेंट, ऐसा नहीं था। हमें जब से कोरोना चल रहा है हम लोग शुरू करते हैं। सर अनाउंसमेंट आज कितने बजे तक दुकान खोलने का अनुमति था? खोलने टाइम हम लोग क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग वो टाइमिंग था, हमारे यहाँ भी वो लेटर जो हमको मिला था उसमें वो था कि 22 तारीख को तो आप लोग स्वयं बंद करते हैं, व्यापारी गण लोग 22 तारीख को बंद था। 23 को हमने ये करवाया था कि 6 बजे तक जो भी आपने आदेश मिला था 6 बजे के बाद से वो लॉकडाउन हो जाएगा करके, वो आज 23 तारीख शासन से फिर हमको दूरभाष के माध्यम से जानकारी मिली कि भाई ये जो है कोरोना यहाँ पे आने में भी निकल गया है और ऐसे कोरोना की स्थिति अभी तो चल ही रहा है। तो वो हमको ऊपर से ये हुआ कि भाई आप कम से कम इसको तत्काल बंद करवा दीजिए। फिर हम लोगों ने अपना सोचा कि चलो टाइम दे के बन जाएंगे करके, आप लोग जो बता रहे हो 11 बजे उसके पहले की जानकारी हमको मिला। सर सर थाना प्रभारी के द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार गाली गुप्ता के संबंध में कैसा समन्वय बना आपका व्यापारी साथ? पिछले बता रहे भाई देखो तो ये उनको भी कोई आदेश मिला होगा टीआई साहब, सभी को अपने अपने आदेश मिला, तहसीलदार साहब भी साथ में, राजस्व विभाग का है, पुलिस विभाग का है, नगर पंचायत का है, तो जितने भी अधिकारी जहाँ के विभागीय सब एक साथ की जवाबदारी और हम लोगों ने कार्रवाई की। जैसे टीआई साहब का पहले अपने टीम के साथ निकल गए, हम लोग भी आए, हमारा कर्मचारी लगा हुआ था कि भाई आप जो है वो तत्काल बंद करवा दीजिए, फिर भी हमारे जाते तक मैसेज मिलने के बाद भी हम लोग जब शुरू किए तो एक घंटा लगा है, एक घंटा लगने के कारण से हमने जैसे तैसे अपना भी अपन काम किया और टीआई साहब पुलिस बल। सर सर आपका आपका पद नाम? विकास नारायण जी।